हाय हेलो, कैसे हो सब। मैं हूं आपका गोल्डी। वेलकम टू माय चैनल गोल्डन यूनिक बॉय। तो चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुझसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी का जवाब रहेगा, जैसे कि जीमेल्स में करते हैं, कमेंट बॉक्स में करते हैं, मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी करते हैं, इंस्टा यूट्यूब फेसबुक कहीं पे भी वही करते हैं। मतलब फेसबुक तो मेरा पेज है नहीं, अभी भी बनाया नया पेज है, जाके फॉलो कर लेना, फॉलो लाइक कर लेना वहाँ पे, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक आईडीज है जो फालतू चीज़ प्रमोशन डालते रहते हैं, तो उनका भी कुछ कर नहीं सकते, क्या ही कर सकते हम। ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा, कर तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बात अलग है। ठीक है, तो चलो मुद्दे पे आते हैं। हाँ, मेरे बारे में कुछ ही बकबक करके कुछ लोग हैं, मतलब न्यूज़ के नाम पे कुछ ही बकबक करते रहते हैं। और उसमें से देखो, पता एक बंदा है, उसके 10 मिलियन है, उसमें बोलता है ये पहले दारू पीते थे, फिर ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी कहानी छाप दे बंदे के 10 मिलियन व्यूज हमारा है। भाई बकवास करने के भी ऐसे रहते क्या? तो बोले ठीक है, तो आज मैं आप लोगों तक सच पहुंचाऊंगा, ठीक है, आप लोगों तक और उन तक भी, ताकि वो अगली बार जब कुछ बोले तो अच्छा बोले मेरे बारे में। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है फिलहाल के टाइम पे, तमकीन किधर है, तमकीन कौन है, तमकीन का और मेरा क्या है, ऐसा। तो चलो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा आपको बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से, ताकि आप भी कंफ्यूज ना रहो और हम भी कंफ्यूज ना रहे आपके कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, ओके। तो सबसे बड़ा अफवाह यह है कि गोली और तमकीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये अच्छी बात है ना, साइड स्टोरी लव स्टोरी अगर मैं किसी के साथ भी बनाता हूँ, मैं किसी के साथ भी बना लो, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा जो क्लास केमिस्ट्री लगती है तमकीन एंड गोल्डी की, ये दोनों की केमिस्ट्री पूछो मत। मैं बहुत लोगों के साथ वीडियोस करता हूँ, ठीक है, ये दोनों की जोड़ी मतलब अलग ही बात है। तो वो जो केमिस्ट्री बन के आती है ना, उसकी वजह से लोगों को अगर लग रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो अच्छी बात है ना यार। अगर मूवी कोई बन रही है उसमें मियाँ बीवी का रोल दिया जा रहा है एक्टर्स को, और मूवी देखने के बाद लगे नहीं कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं, तो काई की मूवी और काई की एक्टिंग। ठीक है, देखो जहाँ तक मुझे याद है मार्च 2020 एक फनी मोमेंट है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे बैंड स्टैंड में परफॉर्म कर रहा था गोल्डन स्टैचू का, एंड उधर तमकीन और उनकी फैमिली आती है, एंड तमकीन आते हैं मेरे पास फ़ोटो खिंचाने के लिए, एंड मैं उनको डरा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा बुद्धू टाइप के हैं, तो उनको नहीं समझ में आया कि मैं स्टैचू हूँ क्या हूँ, शायद उनको पता भी होगा कि मैं कौन हूँ, तो डर जाते हैं, एंड वहाँ पे वो फोटो लेते हैं, मतलब टिकटॉकर वाली हरकत करते हैं। क्या था ये? मस्ती कर रहा। ठीक है, मतलब फोटो लेते हैं, जस्ट लाइक मैं बैंड स्टैंड में जब परफॉर्म करता था ना, बहुत सारे लोग आके फोटोस वगैरह लेते थे, मेरे कलेक्शन बॉक्स में पैसे डाल देते थे। ठीक है, वही मेरी कमाई थी, अच्छा खासा करता था, कभी कोई 3,000, कभी कोई 5,000 ऐसा होता था, कभी 1,500 ऐसा, मतलब 4 घंटे परफॉर्म किया अच्छा खासा निकल जाता था। तो मैं जब परफॉर्म करता तो उधर आए थे उनकी फैमिली, सब लोगों को अच्छा लगता था, दे ऑल रिस्पेक्ट माई आर्ट। ठीक है, तो हुआ, हाँ उन्होंने फोटो लिया, उसके बाद वही टिकटॉक के लिए वीडियो बनाया उन्होंने, जो कि अभी मैं प्ले कर रहा हूँ। दिस इज फॉर यू, तू था, तू है, और तुझे रहना भी पड़ेगा, ठीक है ना? और ये है फोटो। तो उसके बाद फोटोग्राफ करने के बाद वो चले गए, फिर 1 से 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम वीडियोस कर सकते हैं साथ में क्या। और फिलहाल उस समय तो मैं, मयंक, ट्रिंकल, रेशु सब थे गांव में, और उधर हम वीडियो बना रहे थे टिकटॉक के लिए। राउंड अप होता ना कि एक इनका बना तो उनका, उनका बना तो उनका, एक ही साथ में, तो एक दिन में 4 वीडियो बनते थे, एडिट वगैरह मैं ही करता था। ठीक है, 4 लोग की एडिट ही मैं ही करता था। फिर उसके बाद उन्होंने मैसेज किया था कि, तो मैं लाइक उधर रहता, बिजी रहता, तो मैं लाइक नहीं कर पाया। फिर उसके बाद जब मैं मुंबई आया तो उसके बाद मैं तमकीन को मैसेज करने लगा कि चलो वीडियोज़ करते हैं। तो उन्होंने पहली बार बोला हाँ ठीक है करते हैं, तो स्क्रिप्टिंग वगैरह लिख के मैं दिया ऐसा ऐसा, मैं बोला तो चलो यूट्यूब के लिए करते, क्योंकि टिकटॉक तो बैन ही हो चुका था, तो करते हैं बोले। फिर मैं गया शूट के टाइम पर, लोकेशन पर चला गया, मैडम आई नहीं। बोलो ठीक है, ओके। मेरा पेशेंस यार, मेरा पेशेंस ऐसे लोगों के लिए रहता ना जिनके अंदर मैं आर्ट देखता हूँ, सबके अंदर नहीं यार, मैं आर्टिस्ट लोग के, मेरे को समझ होता है आर्टिस्टिक है तो उनके लिए ना मेरा लाइक पेशेंस रहता है, बाकी कोई ऐसा फालतूगिरी करता तो निकल भाई, वो हिसाब किताब रहता है। तो ठीक है, पहला शूट कैंसिल, दूसरी बार भी प्लान कैंसिल, तीसरी बार प्लान, 4 से 5 प्लान कैंसिल। फिर बाद में अचानक एक दिन होता कि हाँ चलो करते हैं वीडियोस,
तो वीडियोस करते समय वो अपने दोस्त को लाई थी और ओके एंड मैं अपने कैमरामैन को लेकर गया था, हमने शूट किया। हाय, क्या आप प्लीज मेरा एक फोटो क्लिक कर देंगे? बड़ा वाईफाई ऑन कीजिए, फोटो भेजता हूँ। फोन नंबर ले लो ना। बादशाह अपने मिजाज के, कहीं इश्क विश्क हो गया तो तुम्हारे दीदार के फकीर बन जाएंगे हम। तो मैंने तो नंबर मांगा सिर्फ। हाँ तो बड़े की शुरुआत छोटे से तो होती है। किया ऑन वाईफाई, दो अब। मुझे उनकी एक्टिंग क्लास लगी और उनको मेरा कंटेंट। वो तो मेरी एक्टिंग की बहुत पहले से फ़ैन थी, अगर देख रही हो तो ओके बोल देना। फिर उसके बाद उनको अच्छा लगा, फिर हम रेगुलर हो गए। रेगुलर वीडियो बनाने लग गए। फिर उसके बाद उन्होंने कभी शूट कैंसिल किया ही नहीं, क्योंकि उनको समझ में आ गया था यार गोल्डी कौन है। तो चलो ये तमकिन का मुद्दा यहीं पे खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। शादी कब कर रहे हो? मां कसम मोहल्ले से लेके सब ऐसा नहीं, मेरे से नहीं पूछते क्योंकि मैं सब मतलब बना के रखता हूँ, ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब ही नहीं रखता किसी से, रिश्तेदार वगैरह से तो फ़ोन ही उठाता नहीं, तो बात ही खत्म। देखो भाई, मुंबई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आते ही लोग समझ जाते हैं कि इश्क लड़ाना आसान है, लेकिन शादी 30 साल के बाद मतलब रंडवे रहो। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जो क्वेश्चन पढ़ने वालों ने बहुत अजीब और बहुत बेतुका क्वेश्चन है लोगों के, क्योंकि लोगों के साथ मैं बहुत सारे गर्ल्स के साथ वीडियोस बनाता हूँ ना, लव स्टोरी के लिए भी मैं क्या किसी लड़के के साथ बनाऊँ लव स्टोरी, फिर फ्रेंड स्टोरी बनाऊंगा, मेरे लव स्टोरी में ज़्यादा दिमाग चलती है, मैं उसी में घुसा रहा तो क्या करूँ मेरे, ठीक है चलो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि लाइक इसका जवाब मैं बहुत बार देना चाहता हूँ पर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अब आज मैं बिंदास देने वाला हूँ। जीमेल तक कर देते हैं कि भाई तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है ऐसा वैसा। भाई वीडियो में तो सभी गर्लफ्रेंड है मेरी, सच्ची बता रहा हूँ, लेकिन बाकी मैं तो किसी के इंतज़ार में, क्योंकि वो कहते हैं ना अगर इंसान सही है तो इंतज़ार गलत नहीं, ठीक है। बाकी यार आज तक मैंने काउंट किया तो 50 लड़कियों, भाई मत ना, आज तक मैंने काउंट किया ना कम से कम 50 लड़कियों के साथ मैं वीडियोस बना चुका हूँ गर्लफ्रेंड के तौर पे, तो उसमें से कोई एक है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो, ढूंढ पाओगे। और हाँ, सब आर्टिस्ट ही हैं, ठीक है, कलाकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा अजीब है, मतलब क्या भाई सिंगल हो तो क्या कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, नहीं लड़कियां भी पूछती हैं, सच्ची बता रहा हूँ लड़कियां भी पूछती हैं, उनके अंदर भी थोड़ा लाइक ऐसा रहता है कि क्यूरियोसिटी हाँ वो रहता है, तो वो भी पूछती हैं ऐसा। क्या है भाई, तुझे लड़कियां कैसे मिल जाती हैं? एक नज़र से देखो तो भिखारी को हम ही अपंग बनाते हैं, और एक नज़र से देखो तो भिखारी को हम ही देते हैं धन, नज़र नज़र की खेल है, नज़र बदलो तो पुनर्जन्म, ठीक है। आप जिन्हें लड़कियां बोलते हैं ना, मैं उन्हें आर्टिस्ट कलाकार बोलता हूं और मैं उन्हें भगवान मानता हूं, सच्ची बता रहा, क्योंकि वीडियोस में ताली एक हाथ से नहीं बजती, जब दोनों हाथ से ताली बजती है ना तो परफेक्ट वीडियो बनती है। उनकी एक्टिंग, मेरी एक्टिंग, उनकी बॉन्ड जब मैच होती ना तब जाके एक अच्छी वीडियो बन के आती है, ठीक है। और मैं सच्ची बताऊँ बहुत परेशान होता हूँ, बहुत सारे ऐसे रहता हूँ, इंस्टा पे स्क्रॉल करते रहता हूँ, देखता हूँ ये बहुत सारे मॉडल के साथ मैंने शूट करके ना वीडियो पोस्ट ही नहीं किया है, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा है, मतलब वीडियो में आके मॉडलिंग करने लग जाती है, मतलब क्या भाई ठीक है चलो जान दो। ऐसा एक होता ना बॉन्ड, एक दोस्ती मस्त बैठा के रखना, स्टार्टिंग में जाना दो दिन तक शूट खराब हो जाता है, दो दिन तक किसी के साथ भी देखो दो दिन तक शूट खराब ही होता है, क्योंकि वो मेरे स्क्रिप्ट नहीं समझ पाते, वो मेरा लाइक उनके ऊपर मेरा कम से कम 10 स्क्रिप्ट तो खराब ही हो जाता है, शॉर्ट्स क्या भाई, शॉर्ट्स पे मैं मेहनत करता हूँ, सच्ची में करता हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। भाई आप इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हो? यार जो मैं चाहता हूँ जब उसकी तारीफ सुनता हूँ ना, सच्ची बता रहा हूँ यार, मैं दिल खुश हो जाता है मेरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं, बाकी क्या चाहिए, बस थोड़ा पैसे चाहिए बस और कुछ नहीं, वो तो मैं कमा लूँगा यार आप लोगों का प्यार है, सच्ची बता रहा हूँ तगड़ा कमाऊँगा। तो ठीक है, तो मैं एक्टिंग कैसे करता हूँ, देखो यार मैंने भी कभी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किया था, मतलब उसमें अच्छे खासे पैसे बर्बाद नहीं किया था लेकिन किया था, मतलब टाइम वेस्ट वगैरह नहीं हुआ था कुछ भी, और अपना टाइम वेस्ट होना भी मतलब होता है कि जो हम मोटिवेशन में रहते हैं ना तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता है।
तो मैंने टाइम वेस्ट ओवर मोटिवेटेड ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह लेकर जेब में घूम रहा था मैं। मेरे को एक्टिंग लाइक ऐसा था कि बहुत टेक्निकल ये वो ऐसा वैसा होकर बहुत ऐसा कचरा भर चुका था मैं। फिर मेरे को एक्टिंग यार ढंग से सीखना था, और मुंबई में आके एक्टिंग सीखना मतलब समझो आप एक बार आप जाना कभी सीखने के लिए, कभी ऐसा खाली पूछताछ करना, 1.5 लाख 2 लाख बोलेंगे ना आप वही भी बैठ जाओगे। तो ठीक है, मेरे को ऐसा अच्छी एक्टिंग सीखनी थी इसलिए मैं कैमरा अटेंडेंट ज्वाइन किया। कैमरा अटेंडेंट समझते हो, जो कैमरे का पूरा देखभाल करे वो कैमरा अटेंडेंट। पर कट्टू कट उसको बेरोजगार बोलते, बेरोजगार नहीं बेगारी बोलते, सच्ची बता रहा। केबल रहे बेटो ये करो वो करो, लेकिन हाँ भाई लेंस वगैरह संभालना बहुत मुश्किल होता है। 10-10 लाख 35-35 लाख के लेंस रहते हैं जो हमारे हाथ में रहते, फूट गए तो जिंदगी भर वहीं पर काम करते रह जाओ, कभी कभी प्रोडक्शन भी साथ नहीं देता। ऐसा इतना रिस्की काम, मैं सिर्फ एक्टिंग देखने के लिए जाता था क्योंकि मुझे कैमरे के बगल में खड़ा होने का मौका मिलता था, और कैमरे के बगल में खड़ा होना मतलब लाइव में आ गई इधर एक्टर, मैं एक्टर को समझो, तो मेरे को ना वो कैमरे में आराम से देख सकते कैसा कर रहा क्या नहीं कर रहा, फुल ऑब्जर्वेशन कर सकते, वो मैं मौका मेरे को मिलता था। और उसके बाद भी जब देखा कि हाँ चलो ऑडिशन देने के टाइम नहीं, ऐसा वैसा जब देखा उसके बाद भी देखा इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं, तो मैंने रील्स हुई रील्स के जरिए रील्स में मेरा एक्टिंग सुधारना शुरू किया और अभी भी सुधार रहा हूँ, आगे चल के बहुत तगड़ा सुधारने वाला हूँ। क्योंकि मैंने देखा है पुराने वीडियोस मेरे जो मैं देखते स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत घटिया एक्टिंग था, क्योंकि वो पर कुछ भी और कॉन्फिडेंस मेरा कभी हाँ ऐसे ही रहा। अगला क्वेश्चंस तो नहीं बोलूँगी, ज़्यादा ये कमेंट्स जो आते हैं। काला कलुआ यार, जब ये रंग के ऊपर कोई कमेंट करता ना सच्ची बता रहा, मैंने यार मेरे सपोर्टर्स मतलब जो मुझे समझ जाते हैं ना वो मेरे सपोर्टर्स बन जाते हैं। मैं सच्ची बता रहा आपको, फैमिली फैन वगैरह बोलने का नाटक मेरे से ना होगा तो ठीक है, वो जो हमारे सपोर्टर्स रहते हैं ना जाके उनको भर भर के गालियाँ देते या फिर एक ही बात बोलते हैं, काला हुआ तो क्या हुआ दिलवाला है। अरे भाई नहीं बहना नहीं, हर काले दिलवाले नहीं होते, कुछ काले माँ की आँख होते ठीक है। अगर वो काला है दिलवाला है बोल के उसके पास चले गए ना तुम्हारी जिंदगी झंड भी कर सकता है। सो प्लीज़ रंग देख कर ना जाए, इंसान देख कर जाए, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो कुछ भी हो, इंसान देख कर जाना, सच्ची बता रहा हूँ। और हाँ यार ये जो अभी भी कमेंट करते हैं ना कि काला 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 काला, अरे भाई सुनना अरे बहन सुनना, कोई भी हो अगर ऐसा कोई कमेंट करता है शुक्र मनाओ कि आप ये रंग में पैदा नहीं हुए, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही झंड हो जाती है, तुम झेल नहीं पाते जितना हम झेल लेते हैं, जितना हमने आज तक झेला ठीक है। स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर बाहर से लेकर प्लेग्राउंड लाइक हर जगह भाई हर जगह दोस्तों यार ये सब लाइक दोस्ती तो लाइक ऐसा बस हाँ हाँ करेंगे, बट वो भी ऐसा चिढ़ाने पे लगते हैं, इतना बुलिंग होता है, बुलिंग या बुली कुछ भी बोलते हैं, इतना गंदा होता है ना तुम झेल नहीं पाओगे, जाके कहीं कूद के मर जाओगे सर, वो कहीं कूद के सब इतना गंदा हालत होती है ये जो रंग वगैरह को लेकर ठीक है। इसकी वजह से ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनते, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और वैसे भी जो काले और सांवले रंग को लेकर परेशान है ना उनके लिए गोल्डी इंस्पिरेशन है ठीक है। तो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन से जिनके जवाब मुझे देने हैं, और मुझे पता आपको जवाब चाहिए। तो अभी मैं बोलना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें, उससे ये होगा कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, क्योंकि शॉर्ट्स के ज़रिए तो नहीं पहुँचता नोटिफिकेशन। तो अभी लॉन्ग वीडियोस अगर अगर डाल रहा हो ना तो इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे, अगर कहीं ओवर एक्टिंग किया होगा तो माफ़ करना, बट गोल्डी ऐसा ही है ऐसा ही बात करता है ठीक है। चलो बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं।